चैलेंजर्स बैंगलोर टॉप पर है, सनराइजर्स हैदराबाद अपना खाता खोल नहीं पाई है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने हराया सनराइजर्स हैदराबाद को। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। तो टॉस जीता हैदराबाद ने करा पहले गेंदबाजी का फैसला। उसके बाद विराट कोहली अच्छी खासी बल्लेबाजी करी, हाफ सेंचुरी मिस करी लेकिन फिर भी 33 रन बनाए। ग्लेन मैक्सवेल बहुत बढ़िया खेलते हैं, इतना जबरदस्त कौन खेलता है। ग्लेन मैक्सवेल है मैक्स फैक्टर इस टीम के, एक्स फैक्टर इस टीम के। जबरदस्त उन्होंने खेला और दशतक लगा दिया। जब ये आते हैं ना एक्सेलरेटर पर सीधा चले जाती है इनकी इनिंग्स की जो रफ्तार है, तो बहुत बढ़िया। ये भी खेले अर्धशतक, इनके नाम रहा। ए बी डिविलियर्स बहुत ज्यादा इन्होंने हम सभी लोगों को इंप्रेस नहीं करा वैसे तो, पिछला मुकाबला बढ़िया खेले, इस मुकाबले के अंदर एक रन पर ही आउट हो गए। लेकिन उसके बाद ना ज्यादा मिडिल ऑर्डर के अंदर ज्यादा कुछ बढ़िया रहा नहीं इनका धमकम, चाहे वो वॉशिंगटन सुंदर हो या युजवेंद्र मतलब हर्षल पटेल, तो वैसे इन तक नॉट आउट रहे। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल और विराट कोहली की लंबी पार्टनर लंबी इनिंग्स और जो छोटी छोटी मिडिल ऑर्डर की जो इनिंग्स जो रही थी उनके कारण 149 रन तक गया ये स्कोर, 150 रन तक गया ये स्कोर। लेकिन तब भी ये हार गई सनराइजर्स हैदराबाद, इतना छोटा स्कोर होने की वजह से भी जो है हार गई सनराइजर्स हैदराबाद। अब हम बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की चेज की, बात करें अभी अगर हम चेज की, चेज के अंदर से डेविड एक्सप्लोजिव वार्नर अर्धशतक निकला इनके बल्ले से, 54 रन बनाए, कोई आसान सी बात है नहीं है ये अर्धशतक इनका। मनीष पांडे ने भी वैस्टो बढ़िया बल्लेबाजी करी, 38 रन उन्होंने बनाए, जबरदस्त टॉप क्लास बल्लेबाजी करी उन्होंने, 38 रन बनाए। लेकिन मुकाबला गया कब, क्योंकि वन साइडेड लग रहा था ना, एक तरफा मुकाबला लग रहा था तब तक तो। लेकिन मुकाबले का ना टर्निंग पॉइंट तब था जब वार्नर भी आउट हो गए, मनीष पांडे भी आउट हो गए, जॉनी बेयरस्टो भी आउट हो गए। एंड मनीष पांडे, जॉनी बेयरस्टो, अब्दुल समद, तीनों जो है ना शहबाज अहमद के उसी एक ओवर के अंदर ही हो गए आउट। तब मुकाबला ना खिसकते खिसकते आरसीबी की तरफ ही चला गया, तब खिसकते खिसकते चला गया। भले आए विजय शंकर हो, जेसन होल्डर हो, लेकिन कोई भी नहीं चला यार मिड ऑर्डर के अंदर आपके। राशिद करामाटी खान ने खेले शॉट जरूर, लेकिन वो उनका भी ज्यादा कुछ काम वो रहा नहीं। असली के अंदर वो ओवर ही जो था ना, वो ही टर्निंग पॉइंट था इस मैच का, वरना बल्लेबाजी तो बढ़िया कर रहे थे। अब अगर बात करें अगर राशिद करामाटी खान ने खेले अंतिम तीन गेंदों में, पता क्या था, 8 रन चाहिए। वो मतलब कौन बिलीव करेगा कि इतना वन साइडेड गेम, इतना वन साइडेड गेम किसी तरीके से जाकर थ्रिलर भी बन जाएगा, अब वो इस एक ओवर के कारण हुआ। अंतिम तीन गेंदें 8 रन जीत के लिए, वो दोनों गेंदों पर आई विकेट, एक राशिद खान की विकेट और फिर उसके बाद क्या था, एक गेंद थी, 8 रन चाहिए थे, कैसे जीत जाएंगे यार। एक रन से तो एटलीस्ट एक रन से हार सकते हैं ये, तो फाइनली जीते 6 रनों से आरसीबी, 6 रनों से ये मुकाबला जीती। थ्रिलर रहा ही मुकाबला, वो आखिरी तीन गेंदों के अंदर ना जिस प्रकार से हर्षल पटेल ने ना गेंदबाजी करी, मैं तो भैया उनका फैन हो ही चुका हूँ ऑलरेडी। बट शहबाज अहमद टॉप क्लास, इन्होंने भी करी यार, शहबाज अहमद ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी। इतना कोई आसान होता नहीं है एक मैच टर्निंग ओवर डालना, कोई आसान सी बात नहीं है यार दो ओवर्स के स्पेल के अंदर ही। लेकिन खेले जबरदस्त खेले वो, अंत के अंदर जीत हुई आरसीबी की। लेकिन इसके साथ आरसीबी जो है टॉप ऑफ द टेबल है, यानी कि टेबल को उन्होंने टॉप करा है, जबरदस्त आरसीबी खेली है। अब बात करें कल के मुकाबले की, कल है दिल्ली और राजस्थान के बीच में मुकाबला, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा कमेंट्स के अंदर बताना। यार मैं तो नहीं अपना बताने वाला हूँ इस बार, मैं नहीं बताने वाला हूँ, मेरी हर बारी गलत हो जाती है यार। लेकिन यार वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो जरूर करना। तो चलिए भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।